आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। इस वाले टॉपिक के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर एक बार पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट तो क्लियर होगा ही होगा, लेकिन मेरी गारंटी है कि आप इस टॉपिक को फिर से कभी नहीं भूलेंगे और आपको कहीं और देखने की या पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर एक एक बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करो, कॉम्पिटिटिव की बात करो या फिर इंटरव्यूज की बात करो, तो इसके अंदर हम तीन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। पहला है, विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर व्हेन टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। जब सीरीज में कनेक्शन होगा दो बल्ब्स का तो कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा वो हम देखेंगे, और जब पैरेलल में कनेक्शन होगा तो कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा वो हम देखेंगे। दूसरा, हम देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल में अगर हमको टोटल पावर कैलकुलेट करनी है तो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन होगा कि जब सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड किसी एक बल्ब को बंद कर दिया जाएगा तो उससे ओवरऑल इल्यूमिनेशन या फिर उजाला जो होता है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट कर दिया एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस, और सिर्फ एक ही बल्ब कनेक्ट करा है जिसकी जो पावर रेटिंग है वो है 60 वॉट और जो वोल्टेज रेटिंग है वो है 240 वोल्ट। आप पावर रेटिंग से क्या मतलब समझते हो पहले तो ये समझना ज़रूरी है। इसकी पावर रेटिंग है 60 वॉट, तो इसका मतलब ये है सर, जब आप इस बल्ब को 240 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करोगे तो ये जो बल्ब है ये अपनी नॉर्मल ब्राइटनेस पे जलेगा और इसकी जो पावर डिसिपेशन होगा वो 60 वॉट होगा। इसका मतलब है, देखिए पावर जो है ना वो होता है रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब ये होगा सर कि ये बल्ब जो होगा पर सेकेंड 60 जूल ऑफ एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, लाइट एनर्जी या फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब हम पहला केस देख लेते हैं जब हमने दो बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करना है। तो मैं सबसे पहले आपको एक नॉर्मल सी बात बता देता हूँ कि जो भी बल्ब ज़्यादा पावर डिसिपेट करेगा वो ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। अब ऐसा इसलिए है ना कि सर, जो ज़्यादा एनर्जी को, जो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर पाएगा लाइट एनर्जी में, वही तो ज़्यादा ग्लो करेगा। तो ज़्यादा एनर्जी को कन्वर्ट करेगा मतलब ज़्यादा पावर कंजम्पशन कर रहा है, ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। तो वो रेटिंग से मतलब नहीं है कि रेटिंग कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, ज़्यादा पावर यूज़ कौन कर रहा है उससे मतलब है। तो वो हम यहाँ पर कैलकुलेट भी करेंगे। अब सर, वॉट जो है ना वो ब्राइटनेस की यूनिट नहीं है कि यहाँ ऐसा समझ लो कि सर ज़्यादा पावर है तो ज़्यादा ब्राइटनेस है तो सर ब्राइटनेस की यूनिट भी वॉट हो गई, ऐसा नहीं है। ब्राइटनेस की यूनिट होती है सर लूमेंस। अब हमने सीरीज में यहाँ पर दो बल्ब कनेक्ट करे हैं, एक बल्ब की रेटिंग मैंने ले ली 40 वॉट और 240 वोल्ट इसकी वोल्टेज रेटिंग है, दूसरे की मैंने पावर रेटिंग ले ली 60 वॉट और इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो है 240 वोल्ट्स। अब सीरीज कनेक्शन में आपको ये पता है कि जो टोटल वोल्टेज होता है ना वो होता है V1 प्लस V2 प्लस, मतलब करंट आपके पास सीरीज कनेक्शन में सेम होता है जबकि वोल्टेज जो होता है वो अलग अलग होता है। इसका वोल्टेज ड्रॉप कुछ अलग होगा, इसका वोल्टेज ड्रॉप कुछ अलग होगा, तो वो हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे। पैरेलल कनेक्शन में आपके पास क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, करंट वेरी करता है। अब आपको एक चीज़ माइंड में क्लियर कर लेनी है कि जब भी आपके पास ब्राइटनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको सर पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कौन सा बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है या डिसिपेट कर रहा है। अब पावर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास तीन फॉर्मूलाज हैं, एक है पी इज इक्वल्स टू वी आई, एक है वी स्क्वायर बाई आर और एक है आई स्क्वायर इंटू आर। तो सर आप अगर इस फॉर्मूले को देखोगे तो इसके अंदर आपको वी आई दिख रहा है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप है और करंट है, लेकिन अभी आपके पास ना तो यहाँ पे करंट है और ना आपके पास वोल्टेज ड्रॉप है, आपको कुछ मालूम नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ अभी नहीं कर सकते हो। दूसरा आपके पास है वी स्क्वायर बाई आर, तो सर इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं पता और रेजिस्टेंस भी नहीं पता। और तीसरा है आई स्क्वायर आर, तो इसके अंदर भी रेजिस्टेंस और करंट नहीं मालूम। तो अभी तक मैं कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकता हूँ इनका ब्राइटनेस कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि मुझे ये टर्म्स का पता नहीं है। तो मुझे पहले टर्म्स निकालनी पड़ेगी, उसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा। अब टर्म्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इन दोनों का जब आप रेजिस्टेंस निकाल लोगे तो इस सीरीज कनेक्शन में इन दोनों के रेजिस्टेंस को जोड़ करके वी बराबर आई आर लगाओगे तो उससे आपके पास यहाँ पर करंट आ जाएगा। करंट आने के बाद आप इसका वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हो और इसका वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हो, दोनों का वोल्टेज ड्रॉप आप निकाल सकते हो, आप डायरेक्टली पावर भी निकाल सकते हो, वो अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला कौन सा है, देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है वोल्टेज रेटिंग। तो वोल्टेज रेटिंग आपको जब यहाँ पर दे रखी है तो आप इसका रेजिस्टेंस डायरेक्टली निकाल सकते हो पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर से। यहाँ पर आपके पास आर है तो आप इस आर को वी स्क्वायर बाई पी लिख सकते हो। अब वी स्क्वायर क्या कर सकते हो सर, 240 इंटू 240 ये वाली रेटिंग लिख रहा हूँ मैं, अपॉन पी मतलब 40। तो ये आपके पास जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपको ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया सर बल्ब 1 के लिए। अब मैं बल्ब 2 के लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो सर बल्ब 2 के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूँ इसको तो ये हो जाएगा सर 240 इंटू 240 अपॉन 60, तो ये हो जाएगा सर 960 ओम्स। और सर ये वाले आपके पास कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, ये आपके पास हो जाएगा 1440 ओम्स। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यूज आ गई, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आया 1440 ओम्स और यहाँ पर आया 960 ओम्स। अब हम यहाँ पर इन दोनों R1 प्लस R2 करते हैं
तो ये हो जाएगा सर 4 + 960 इज इक्वल्स टू 2400 ओम्स। तो यहाँ पर अगर आप I इज इक्वल्स टू V बाई R कर दोगे तो V आपके पास है 240 वोल्ट और ये हो गया सर आपके पास 2400। तो ये अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा सर 0.1 एम्पियर। तो 0.1 एम्पियर यहाँ पर आपके पास करंट है, ये 0.1 एम्पियर ये आपके पास करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में। तो ये 0.1 एम्पियर आपका इस बल्ब से भी फ्लो करेगा और इस बल्ब से फ्लो करेगा, दोनों से 0.1 एम्पियर फ्लो करेगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पावर निकाल सकते हो I²R से और इसकी भी पावर निकाल सकते हो I²R से। आप यहाँ पर P इज इक्वल्स टू I²R करोगे तो देखिए पहले P1 कर लेते हैं। तो P1 के लिए I²R करता हूँ मैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1 × 0.1 × 1440। तो ये अल्टीमेटली मेरे पास आ जाएगा 14.4 वाट। तो ये हमारे पास आ गया P1। P2 अगर मैं कर लूँ यहाँ पर तो सर P2 आपके पास हो जाएगा 0.1 × 0.1 × 960 ओम्स। ठीक है, तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा सर 9.6 वाट। तो आपके पास P2 ये आ गया और P1 आपके पास ये आ गया। तो ये आपके पास पावर कैलकुलेट हो चुकी है। अब इन पावर से आप पता लगा सकते हो कि सर इसकी पावर ज़्यादा है और इसकी पावर कम है। तो इसका मतलब ये है कि सर ये वाला बल्ब जो है ये ज़्यादा ग्लो करेगा, ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। लेकिन अभी हम एक और ये वाले फॉर्मूले भी यूज़ करके देखते हैं, जहाँ पर आप ऐसे डायरेक्टली इसको फॉलो करके ये आंसर निकाल सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा और आगे बता देता हूँ कि यहाँ पर मुझे जब करंट पता लग चुका है तो मैं इसका वोल्टेज ड्रॉप भी निकाल लेता हूँ, इसका वोल्टेज ड्रॉप भी निकाल लेता हूँ। तो पहले इसका वोल्टेज ड्रॉप अगर मैं निकालूँ तो मुझे पता है सर V = IR होता है, तो 0.1 × रेजिस्टेंस कर देता हूँ तो 1440 हो गया। तो ये मेरे पास आ गया 144 वोल्ट। तो इसका पहले वाले का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इतना है और दूसरे वाले का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा सर 960। तो इसका मतलब है 96 वोल्ट। तो मेरे पास V1 और V2 की वैल्यूज़ भी आ चुकी है। अब मैं ये वाले पावर फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, P = VI भी लगा सकता हूँ और P = V²R भी लगा सकता हूँ। देखिए अगर मैं VI लगाऊंगा तो 144 हो गया P1 के लिए, ये वाला V और I कितना था 0.1 था, तो ये हो जाएगा सर 14.4 वाट। और P2 के लिए आप लगाओगे तो आपके पास 14 इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है सर 96 × 0.1, तो ये हो जाएगा सर 9.6 वाट। तो इस तरीके से आपके पास P1 और P2 की वैल्यू यहाँ पर भी सेम आई है जो आपके पास यहाँ से आपके पास मिली थी। अब आप तीसरा फॉर्मूला अगर लगाओगे V²R तो वहाँ से भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी और वहाँ से भी आप इसका आंसर दे सकते हो कि सर जो P1 है, जो बल्ब B1 है, ये वाला जो बल्ब है ये सर ज़्यादा ग्लो करेगा। तो ये भाई साहब ज़्यादा चमकेंगे बजाय इसके, इसकी पावर रेटिंग ज़्यादा है लेकिन फिर भी ये वाला ज़्यादा ग्लो करेगा। और सर ग्लो इसलिए करेगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, इसी वजह से ये ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करवा रहा है और ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, इसलिए ये ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। इन भाई साहब की वो पावर रेटिंग तो ज़्यादा है लेकिन सर रेजिस्टेंस इनका कम है। अब देखिए रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी आप ऐसे याद कर सकते हो कि जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी, मान लीजिए इसकी 60 वॉट है तो इसकी ज़्यादा पावर रेटिंग है, तो 40 वॉट वाले के मुकाबले 60 वॉट वाले की पावर रेटिंग ज़्यादा है। तो सर इसका जो फिलामेंट होगा ना, बल्ब है तो सर फिलामेंट हो गई, तो फिलामेंट जो होगा वो इसका बड़ा होगा, इसका फिलामेंट बड़ा होगा और इसका फिलामेंट छोटा होगा। तो सर इसका फिलामेंट जो पतला होगा ना उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब रेजिस्टेंस तो आपको पता है कि पतला जब वायर होगा आपके पास, पतला जब फिलामेंट होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा बजाय मोटे वाले फिलामेंट के। तो सर हमेशा जिसकी पावर रेटिंग छोटी होती है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है बल्ब के केस में। और सीरीज़ कनेक्शन की जब हम बात करते हैं तो करंट सेम है, इस वजह से जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करवाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो कम वोल्टेज ड्रॉप करवाएगा। और यहाँ पर पावर भी ये वाला ज़्यादा डिसिपेट करेगा तो ये ज़्यादा अच्छे से ग्लो करेगा। ठीक है, ये भी ग्लो करेगा लेकिन कम ब्राइटनेस से ग्लो करेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया सीरीज़ कनेक्शन का। अब हम पैरेलल कनेक्शन का देखते हैं। तो सर पैरेलल कनेक्शन में मैंने आपके पास दो बल्ब ले लिए, एक 40 वॉट का और एक 60 वॉट का। ये 60 वॉट है सर, तो यहाँ पर भी मैंने दो सेम बल्ब ले लिए जो मैंने सीरीज में लिए थे, कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो सर इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दोबारा से कैलकुलेट नहीं करेंगे। 1440 ओम्स इसका था और 960 ओम्स इसका था। अब आपको पता है ना, जिसकी वोल्टेज रेटिंग कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा फिलामेंट की वजह से। अब देखिए ये पैरेलल कनेक्शन है, इसका मतलब यह है कि सर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना वो उतना ही होगा जितना इसके अक्रॉस होगा, और वो दोनों भी उतने ही होंगे जितना यहाँ पर है। तो सर वोल्टेज ड्रॉप सेम रहेगा, आपके पास वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, चेंज वैल्यू होगी तो करंट की होगी। यहाँ पर जो वोल्टेज है ना वो सेम रहता है पैरेलल कनेक्शन में, करंट की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पर कुछ और करंट आएगा, यहाँ पर कुछ और करंट आएगा। ये करंट की वैल्यू ही यहाँ पर पावर डिसाइड करेगी। जो बल्ब ज़्यादा करंट कंज्यूम करेगा, ज़्यादा करंट खुद की तरफ लेगा, वो ज़्यादा पावर डिसिपेट करेगा और वो ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा।
तो अभी हमको यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है कि सर किसके पास करंट ज़्यादा आ रहा है। सीरीज वाले में हम क्या देख रहे थे कि वोल्टेज ड्रॉप कौन ज़्यादा करवा रहा था, तो अभी हम यहाँ पर करंट की वैल्यू चेक करते हैं। तो सर आपके पास जो है वोल्टेज आपको पता है, रेजिस्टेंस आपको पता है, तो डायरेक्टली इसका करंट पता कर लीजिए पी बराबर वी आई से। तो सर मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ आई इज इक्वल्स टू पी अपॉन वी। तो पी मेरे पास है 40 वॉट और वोल्टेज आपके पास 240 वोल्ट, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 1/6 एम्पियर। तो आपको यहाँ पर 1/6 एम्पियर करंट मिल रहा है आई वन। और आई टू की अगर मैं बात कर लूँ तो वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा सर 60/240, तो ये मुझे मिल जाएगा 1/4 एम्पियर। तो आपको आई वन और आई टू की वैल्यू पता लग गई। आप इसको यहाँ पर 0.16 भी लिख सकते हो एम्पियर, और इसको आप यहाँ पर 0.25 एम्पियर भी लिख सकते हो। तो इसको मैंने लिख दिया 0.16 एम्पियर और यहाँ पर लिख दिया 0.25 एम्पियर। तो यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि किसके पास करंट ज़्यादा जा रहा है। तो सर जिसके पास करंट ज़्यादा जा रहा है ना, वो ही ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। अभी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अब हमको करंट मालूम हो चुका है, तो सर यहाँ पर जो करंट आएगा ना, वो इन दोनों का सम आएगा, तो वो हो जाएगा सर 0.41। ओके, अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब पावर हम लगाते हैं, तो सर इस वाले के लिए पावर लगाओगे तो करंट पता है, तो पी इज इक्वल्स टू वी इंटू आई लगा दोगे, तो वोल्टेज आपको पता है 240 इंटू करंट आपके पास हो गया 1/6। मैं पी वन की बात कर रहा हूँ, इस पी वन की, यहाँ पर मेरे पास 1/6 एम्पियर है, तो ये मेरे पास हो जाएगा सर 40 वॉट। पी टू की मैं बात करता हूँ, तो इसके लिए भी वी इंटू आई लगा लेता हूँ, इसका जो वोल्टेज होगा 240 हो जाएगा, और जो करंट आ रहा है यहाँ पर, जो करंट आ रहा है वो है सर 1/4, तो 1/4, तो ये हो जाएगा सर 60 वॉट। तो आप यहाँ पर देखो, आप फॉर्मूला कोई सा भी लगा सकते हो, आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, पी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई आर। इसके अंदर 240 × 240/1440 कर दोगे तो आपको पी वन पता लग जाएगा, और इसके लिए आप कर दोगे 240 × 240/960, तो यहाँ पर भी आपको पी टू पता लग जाएगा। तो वो दोनों वैल्यू भी यहाँ पर सेम आने वाली है। तीसरा वाला फॉर्मूला लगा के भी ये दोनों वैल्यूज सेम आने वाली है। तो इससे हमको पता ही लग रहा है कि सर पैरेलल कनेक्शन में यहाँ पर जो है 40 वॉट पावर कंजम्पशन हो रहा है इस बल्ब के द्वारा, और 60 वॉट पावर कंजप्शन हो रहा है इस बल्ब के द्वारा, जबकि सीरीज़ कनेक्शन में, सीरीज़ वाले कनेक्शन में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा था। यहाँ पर जो पावर कंजप्शन हो रहा था वो हमारे पास हो रहा था सर 14.4 वॉट, और यहाँ पर हो रहा था 9.6 वॉट। तो दोनों में फ़र्क था ना सर, इसकी रेटिंग तो इतनी ज़्यादा है लेकिन कंजप्शन एक्चुअल में इतना ही हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जितनी रेटिंग है लगभग उतना ही कंजप्शन करेगा, उतना ही एनर्जी को कन्वर्ट करेगा लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट उतना ही करेगा जितनी इसकी रेटिंग है। तो पैरेलल कनेक्शन का ये कि फ़ायदा है कि वो अपनी रेटेड वैल्यू पर काम कर पाता है। इस कैलकुलेशन से हमको यहाँ पर ये समझ में आया कि जो 60 वॉट वाला बल्ब है ना, ये ज़्यादा ग्लो करेगा, और ज़्यादा ग्लो इसलिए करेगा क्योंकि इसके पास करंट ज़्यादा आ रहा है, जबकि वोल्टेज तो सेम है, तो ये करंट ज़्यादा आएगा तो ये ज़्यादा ग्लो करेगा। तो ये भाई साहब इस बार ज़्यादा चमकेंगे पैरेलल कनेक्शन की वजह से, चमक तो ये भी रहे लेकिन इनके चमक कम है, इनके पास ज़्यादा ग्लो करेंगे क्योंकि ये अब ज़्यादा पावर को डिलीवर कर रहे हैं, ज़्यादा पावर को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और अब आप इसको नहीं भूलोगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि सर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करने के लिए आपको सीधे से पता होना चाहिए कि जिसका फिलामेंट बड़ा होगा ना, जिसका फिलामेंट मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, और जिसका फिलामेंट पतला होगा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब फिलामेंट मोटा किसका होगा? जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी, और फिलामेंट पतला किसका होगा? जिसकी रेटिंग कम होगी। तो फिलामेंट इस वाले जो जिसकी पावर रेटिंग कम है उसका फिलामेंट पतला है, और फिलामेंट पतला है मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो, अगर सीरीज़ कनेक्शन की बात करें तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करवाएगा, और पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो जिसका रेजिस्टेंस कम है वो करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगा। सर यहाँ पर देखिए, रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए करंट कम जा रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है इसलिए करंट ज़्यादा आ पा रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये डिफरेंस पैदा हुआ है, और जो ज़्यादा करंट लेगा वो ज़्यादा ग्लो ब्राइट करेगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन था कि सर टोटल पावर कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले तो हम सीरीज़ कनेक्शन की बात करते हैं, कि जब आपके पास ये सीरीज़ कनेक्शन है तो टोटल पावर जब आपको निकालनी है, तो इसकी हमने टोटल पावर यहाँ पर देखिए P1 और P2 ये दोनों हमने निकाला था, तो P1 + P2 अगर मैं कर दूँ फाइनल यहाँ पर, तो मेरे पास आ जाएगा सर 24 वॉट। तो इन दोनों का मिला करके जो टोटल पावर कंजप्शन इस सर्किट के अंदर होगा वो होगा सर 24 वॉट। लेकिन आपको इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है ये पावर निकालने के लिए, आप यहाँ पर डायरेक्टली निकाल सकते हो और डायरेक्टली इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हो। तो ये सीरीज़ कनेक्शन का फॉर्मूला है, आप यहाँ पर डायरेक्टली, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ये लगा सकते हो कि 40 × 60/40 + 60, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 24 वॉट, ये टोटल पावर कंजप्शन आ गया। जबकि पैरेलल कनेक्शन की बात करूँ तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्टली, तो यहाँ पर आप इसको 40 + 60 कर सकते हो। पावर कंजप्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 100 वॉट। जबकि आप इस वाले एग्जाम्पल में भी अगर आप देखो तो
तो आपके पास पावर कंजप्शन कितना आ रहा था, 40 वॉट आ रहा था और 60 वॉट आ रहा था, ये दोनों को आप प्लस कर दोगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। लेकिन एक यहाँ पर प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि सर जब आपके पास ये 240 वोल्ट दे रखा हो, यहाँ पर भी 240 वोल्ट दे रखा हो, और यहाँ पर जो सोर्स है ये अगर मैच कर रहा हो आपके रेटेड वोल्टेज से, तब तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हो पावर वाला। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए 110 वोल्ट होता, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगा सकते थे, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, फिर आपको ये लॉन्ग मेथड फॉलो करना पड़ता। और लॉन्ग मेथड क्या था कि पहले रेजिस्टेंस निकालो, फिर आप यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप निकाल लो, और फिर आप डायरेक्टली पावर निकाल लो। तो उस तरीके से आप दोनों की पावर निकाल के उनको ऐड कर दो, और अगर यहाँ पर रेटेड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज बराबर हैं, सेम है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। ऐसा मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, वहाँ पर आपके पास रेशो पूछ लेंगे कि सर जब दो बल्ब इस वॉट रेटिंग के और इस वोल्टेज रेटिंग के कनेक्टेड हों सीरीज में, और जब दो बल्ब कनेक्टेड हो पैरेलल में, तो उनका रेशो बताओ, तो सर आप यहाँ पर डायरेक्टली इनका रेशो निकाल के बता सकते हो, आपको सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर जब आपके पास, अगर मैं ये दोनों बल्ब कनेक्ट करता हूँ और इनमें से बाई चांस मैं एक बल्ब को हटा दूँ या फिर एक बल्ब को स्विच ऑफ कर दूँ, तो क्या इस रूम के अंदर ओवरऑल इल्यूमिनेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब जो जितना उजाला हो रहा है वो कम होगा या ज़्यादा होगा या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सर एक बल्ब को जब आप सीरीज़ के अंदर बंद करोगे, सीरीज़ कनेक्शन के अंदर जब आप इसको बंद कर दोगे, तो आप खुद सोचो कि जो रेजिस्टेंस पहले ऐड हो रहा था, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना था, 2400 ओम्स था, इन दोनों का रेजिस्टेंस मिला के 2400 ओम्स था, और वोल्टेज इतना था, तो सर करंट यहाँ पर आ रहा था 0.1 एम्पियर। लेकिन अब ये रेजिस्टेंस तो आपका कम हो गया ना, आपने 960 ओम्स तो हटा ही दिया, आपने सीधे ही हटा दिया, तो आपके पास ये रेजिस्टेंस बच गया, और जब रेजिस्टेंस कम हो गया तो सर करंट बढ़ जाएगा, और जब ये करंट इंक्रीज़ हो जाएगा, इस करंट की वैल्यू जब इंक्रीज़ हो जाएगी, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी तो इंक्रीज़ हो जाएगा ना सर, क्योंकि करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, तो वो जब आप रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज़ हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज़ हो जाएगा मतलब पावर कंजप्शन इंक्रीज़ हो जाएगा इस वाले बल्ब का, तो ओवरऑल इल्यूमिनेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले जो पावर, टोटल पावर जो कंज्यूम हो रही थी, वो हो रही थी सर कितनी, 24 वॉट, अभी हमने कैलकुलेट करा है, तो 24 वॉट टोटल पावर इन दोनों का मिला करके इतनी कंज्यूम हो रही थी। लेकिन जब ये अकेला रह जाएगा ना, तो आपके पास जो मैंने सबसे पहला जो केस बताया था, ये वाला केस बन जाएगा सर, और इसके अंदर जितनी पावर रेटिंग है उतना ही कंजप्शन होगा, उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगा। तो ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई सीरीज कनेक्शन की। अब हम बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की। तो सर जब पैरेलल कनेक्शन होगा, तो उस टाइम पर अगर मैं एक बल्ब को स्विच ऑफ कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, तो ओवरऑल इल्यूमिनेशन पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए पैरेलल कनेक्शन जो है ये हमारे घरों में यही होता है, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम एक बल्ब को बंद कर देते हैं तो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है, दूसरा बल्ब भी काम करना बंद कर देता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाता है, ऐसा चेंज नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये अपने हिसाब से चलेगा भैया, ये अपने अपनी रेटिंग के हिसाब से, इसको कोई मतलब नहीं है इससे कि आप इसको बंद कर रहे हो चाहे जला रहे हो। देखिए सर मान लीजिए पैरेलल कनेक्शन में एक बल्ब मैंने यहाँ पर ले लिया और एक बल्ब मैंने यहाँ पर ले लिया, अब इस बल्ब की रेटिंग में मान लेता हूँ, इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ही तो वेरी करेगा ना, तो इसका रेजिस्टेंस में मान लेता हूँ कि कुछ 4 ओम है, इसका रेजिस्टेंस भी 4 ओम है, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास जो सोर्स है वो 120 वोल्ट का है। अब सर आप यहाँ पर देखो कि जब ये 4 ओम और 4 ओम था, तो यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 2 ओम्स आ जाएगा, और जब इसका टोटल रेजिस्टेंस ही 2 ओम्स आएगा, तो यहाँ पर जो करंट होगा सर वो हो जाएगा 60 एम्पियर। अब यहाँ पर जब 60 एम्पियर आ रहा है, तो सर 30 एम्पियर इधर चल जाएगा और 30 एम्पियर इधर चल जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है तो सेम करंट चला जाएगा। तो अभी ये 30 एम्पियर के हिसाब से ग्लो करेगा, ये 30 एम्पियर के हिसाब से ग्लो करेगा। अब आप क्या कर रहे हो कि इसको हटा रहे हो, इसको बिल्कुल ही हटा दिया आपने, अब आपके पास रह गया 4 ओम, तो सर 4 ओम के हिसाब से करंट वेरी आएगा ना यहाँ पर, ये करंट की जो वैल्यू है वो 4 ओम के हिसाब से आएगी, तो जब आप 4 ओम के हिसाब से देखोगे तो करंट कितना आएगा सर, 120 अपॉन 4, तो ये आएगा सर 30, तो सर यहाँ पर करंट ही 30 एम्पियर आ रहा है, ये वाली वैल्यू तो हटा दो, अब 30 एम्पियर करंट इससे जाएगा, तो सर पहले भी तो 30 एम्पियर ही जा रहा था और अभी भी तो 30 एम्पियर जा रहा है, तो चेंज क्या हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि पैरेलल कनेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बल्ब को हटा रहे हो या लगा रहे हो, ये जितना ग्लो करना है भैया उतना ग्लो करेगा। और वैसे भी आप अगर और अच्छे से समझने की कोशिश करो, तो सर ये पहले ही 60 वॉट पर ग्लो कर रहा है, ये पहले ही 40 वॉट पर ग्लो कर रहा है, तो इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, पहले ही जब वो पूरी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, ये भी अपनी पूरी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, तो सर ज़्यादा होने के चांस तो है नहीं। तो अब आप ऐसे केस में जब एक बल्ब को बंद कर दोगे एक रूम के अंदर, तो ओवरऑल जो उजाला है ना वो कम हो जाएगा, कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि पहले दो बल्ब जल रहे थे तो सर ज़्यादा उजाला हो रहा था, अब एक ही बल्ब जल रहा है, जल तो वो अपनी पूरी कैपेसिटी पर है, लेकिन फिर भी सर दो जल रहे थे उससे तो कम ही उजाला होगा ना, तो ओवरऑल इल्यूमिनेशन विल डिक्रीज इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन एंड ओवरऑल इल्यूमिनेशन इंक्रीज इन सीरीज कनेक्शन। तो ये वाले क्वेश्चन का जवाब भी आप अब अच्छे से दे सकते हो।
तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपके पास क्लियर कर दिए और मैंने आपको इसके अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी बताए। तो ये वाला जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, बिना लाइक करें नहीं जाएं, और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आप हमारी वेबसाइट www.electricalpathshala.com पर भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पर भी ऐसे आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे ये, और वहाँ से आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लें।